एक तरफ ईद कुर्बा और दूसरी तरफ महंगाई का तूफान, ऐसे में क्या करे अवाम। ईद से दो रोज कबल ही सब्जियों की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया। अवाम की परेशानी इस वक्त और बढ़ गई है क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी टमाटर के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। टमाटर किसी रेडी पे नहीं है, किसी जगह पे नहीं है, कह रहे टमाटर आए ही नहीं। बकरा ईद में हमेशा ये लोग टमाटर का मसला बनाया होता है, सिर्फ ये ईद नहीं, इससे पहले भी यही करते रहते हैं। विदाउट टमाटर गुजारा करेंगे, दही पे आ जाएंगे, दही उसका अल्टरनेट तो है ना। लेने तो टमाटर ही आए थे सिर्फ, अब वो तो मौजूद नहीं है, अब यही मसला है। लेने इतनी दूर से आए हैं हम लोग, लेकिन जो जरूरत है वो तो है ही नहीं यहाँ पे। दुकानदार भी टमाटर ना होने से परेशान है, कहते हैं कि उनकी तो सेल ही कम हो गई है। दूसरी तरफ व्यापारियों का कहना है कि टमाटर पीछे से ही इतना महंगा आ रहा है, माल उठाकर अपना नुकसान नहीं कर सकते। 300 रुपए दड़ी मंडी में है, 200 रुपए दड़ी इधर रेट है, तो हम पागल है, स्टॉल का भी किराया दे, अपना भी किराया लगा। टमाटर ना मिलने से शहरियों का कहना है कि चटपटे खाने ना हो तो ईद कुर्बान का क्या मजा, पर अब पकाना तो है, जिसके लिए मुतबादल अशिया इस्तेमाल करेंगे। हफ्तावार बाजार में सब्जियों में टमाटर ना होने से अवाम को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम शहरियों का कहना है कि टमाटर की जगह दही और दीगर मुतबादल अशिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।